प्लेटफॉर्म कौन सा? तो जो एनवाइशन ने बोला है, तो दैट इज टीनिया सोलियम. टीनिया सोडियम एक्चुअली, तो टीनिया, देर आर टू स्पीशीज. ओके, देर आर टू स्पीशीज. एक है सोलियम. इज इट करेक्ट? हमने जो लिखा है इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं? सोलियम मतलब क्या है? इसको पोर्क टेप वर्म बोला जाता है. एंड साजी पर नाटा, इसको हम लोग बीफ टेप वर्म बोलेंगे. बीफ ठीक है, इज इट ओके? इट इज नॉट ओके बिकॉज यू कैनॉट अच्छा राइट, यू कैनॉट राइट द स्पीशीज नेम विदाउट जीनस. समझ में आया बेवकूफों? इसलिए विदाउट जीनस नेम यू कैनॉट राइट द स्पीशीज नेम. ओके, तो आप स्पीशीज के बिना जीनस लिख सकते हो, बट जीनस के बिना स्पीशीज नहीं लिख सकते. अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी. चलिए, तो ये हमारा हो गया. तो इसीलिए एक्चुअली आप जानते हो कि इन टेप वर्म क्या मिलेगा आपको, जो टीनिया. तो टीनिया इज एक्चुअली 10 to 16 और प्लस मीटर लॉन्ग है कि नहीं? तो अगर हम लोग उसका देखें, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. तो ये आपका टेप वर्म का एक फोटोग्राफ है. ठीक है, तो आप देख रहे हो उसका कितना सारा चीज है. तो दिस इज द एंटायर टेप वर्म या एडल्ट टेप वर्म टीनिया सोलियम. नाउ इसमें जो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे इज व्हाट? स्कॉलेक्स है कि नहीं? द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग इज द स्कॉलेक्स. तो व्हाट इज द स्कॉलेक्स? तो ये एक ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है. ठीक है, तो स्कॉलेक्स इज आल्सो नोन एज क्या? इट इज एन ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट. ओके, हैज टू रोज ऑफ हुक्स कॉमा रॉस्टेलम कॉमा फोर सकस. ओके, तो ये सब विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द वर्म टू द होस्ट इंटेस्टाइन. सुना? तो हुक्स क्या करेगा? हुक्स गाड़ के, वो हुक्स जो है वो गाड़ देगा इनटू द इंटेस्टाइन मसल्स है कि नहीं? सकर सक करके अटैच करेगा. रोस्टेलम, आप जानते हो रोस्टेलम क्या होता है? जो बचपन में आप लोग जो धनुष तीर खेलते थे उसमें तीर एक वैक्यूम जाके चिपक जाता था दीवार पे. अभी सीन सर बच्चों का जो तीर है एरो, उसमें एक वैक्यूम कप होता था, तो जब मारोगे पक से चिपक जाता था वो. सो दैट वैक्यूम कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए रोस्टेलम. तो वो आपका अटैचमेंट में मदद करेगा. और तो सक्कर से क्या है? वही तो सक्कर ही है ना सर, जो वैक्यूम के लग जाता था। नो, सक करना और वैक्यूम से अटैच होना में अलग नहीं लगता है तुमको? अगर आप सक्शन करेंगे तभी वो अटैच होगा, बट रॉस्टेलम जो है वो अपने आप चिपक जाएगा, उसमें आपको सक वक करने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द केस. नाउ इन जीनिया साजिनाटा, ओके, क्या है? नो हुक्स, बाकी सब है. ठीक है, तो इसलिए साजिनाटा में हुक्स नहीं होगा. तो इसलिए पहला स्ट्रक्चर है आपका क्या? स्कॉलेक्स. उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? तो नंबर टू इज कॉल्ड द नेक, एंड इस नेक को हम लोग जोन ऑफ प्रोग्लो
प्रोग्लोटाइजेशन बोलते हैं. ओके, जोन ऑफ प्रोग्लोटाइजेशन, समझ रहे हो? तो जो सकर है वो है आपका जोन ऑफ प्रोग्लोटाइजेशन, नेक. तो एक्चुअली व्हाट इट डज, सो दिस, ओके, तो दिस पार्ट ऑफ द टीनिया इज ए टोटिपोटेंट पार्ट, टोटिपोटेंट पार्ट, एंड keeps producing new segments throughout life downwards, नीचे नीचे. ओके, तो इट कीप्स प्रोड्यूसिंग, तो अगर हम लोग देखेंगे तो वो नीचे की तरफ आपका न्यू सेगमेंट प्रोड्यूस करता रहेगा जिंदगी भर. सो इसलिए हम लोग उसको जोन ऑफ प्रोग्लोटाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? नाउ उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स. प्रोग्लोटिड्स, ओके, तो प्रोग्लोटिड्स जो है उसको हम लोग सिंगल जी कर देते हैं, वो भी लिखा है. तो प्रोग्लोटिड्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स सेगमेंट्स या सूडो सेगमेंट्स, या सूडो सेगमेंट्स, समझ रहे हो? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये आपके फॉल्स सेगमेंट्स हैं. क्लियर? तो ये आपका फॉल्स सेगमेंट या सूडो सेगमेंट कहलाता है. नाउ दीज आर ऑफ डिफरेंट types. So why they are called pseudo segments? क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है? These are of different types and they keep maturing as they go down and keep changing. Okay, तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं वो मैच्योर करते जाते हैं एंड बदलते जाते हैं. तो अब उसमें पॉइंट नंबर ए क्या लिखेंगे हम लोग? सो पहला जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दो यार ये स्वस्तिक दीवान. तो पहला जो है वो है इमैच्योर सेगमेंट्स. तो इमैच्योर सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स हम लोग लिख लेंगे, इसको प्रोग्लोटिड्स ही लिखना चाहिए, सेगमेंट का मतलब ट्रू हो जाता है. ओके, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, उसमें अदर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन होता है इनमें एक्चुअली, तो इनमें ऑर्गन्स होता है, तो अदर ऑर्गन्स डेवलप but sex organs, क्या other organs develop but sex organs not develop, ठीक है? इसलिए immature proglotid में आपका sex organs नहीं होता है. B mature male proglotids, तो इसमें क्या होता है? Male sex organs also develop. ठीक है, तो male sex organs also develop. तो इसमें male sex organs भी develop कर जाता है. Now they have a copulatory organ known as serous sac. समझ रहे हो? So they, आज बहुत दिन से आश्चर्य है. So they have a copulatory organ known as serous sac. ठीक है जी? तो ये मेल में
serous sac in every segment. तो हर सेगमेंट में आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा. सो दीज एनिमल्स देखा आर प्रोटेंड्रस. समझ रहे हो क्यों इनको प्रोटेंड्रस बोलते हैं? बोलिए व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटेंड्रस. मेल ऑर्गन पहले, मेल ऑर्गन पहले डेवलप करते हैं क्योंकि मेल जो है वो फर्स्ट डेवलप कर रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग प्रोटेंड्रस बोलेंगे. तो उसके बाद सी जो है दैट इज कॉल्ड मैच्योर मोनोशियस. ओके सुप्रीत. मैच्योर मोनोशियस प्रोग्लोटिड्स. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? So in these segments, okay, female system also develops. Okay, क्यों? Male already present, है कि नहीं? तो male system already present. फीमेल सिस्टम डेवलप्स. ठीक है, फीमेल सिस्टम डेवलप्स. नाउ फीमेल्स हैव वेजाइना. ओके, फीमेल्स हैव वेजाइना टू रिसीव द सीरस सैक. ओके, इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे. क्या नोट लिखेंगे? इन फैसियोला वेजाइना, इन फैसियोला वेजाइना इज रेफर्ड टू एज लॉरल स्टाइप. अभी मैं मीटिंग लॉक करना पड़ेगा बार बार. ये सुप्रीत को बोलो नहीं ज्वाइन करने के लिए, उसका कट रहा है बार बार. तो लॉरल स्टाइडिया केनाल. समझ रहे हो? तो एक्चुअली इन केस ऑफ फैसियोला जो वेजाइना है उसको लॉरल स्टाइडिया केनाल बोलते हैं. सो ओके, सो इन ए लाइट ऑफ से लाइट चेंज करे. सो इन क्या, सो इन दी सेगमेंट्स, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कमेंसेस. हेलो, इन दीज ऑर्गन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कमेंसेस. ओके, तो कॉपुलेशन कैसा होगा? बोलो, कॉपुलेशन होगा सूडो कॉपुलेशन. सूडो कैसे? मेल भी है, पेनिस भी है, सब है. तो हाउ इट इज फर्स्ट? ट्रू. तो इसमें एक ट्रू कॉपुलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो मेल आ गया, फीमेल आ गया, ये ट्रू हो गया ना, तो इसलिए ये है कॉपुलेशन इज ट्रू. कॉपुलेशन इज ट्रू. Now, if male and female of the same segment, okay, if male and female of the same segments are involved, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Self-fertilization. ठीक है, उसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. इफ मेल ऑफ वन सेगमेंट एंड फीमेल ऑफ अनदर सेगमेंट
are involved or if male and female of different worms are involved, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर सेम सेगमेंट इन्वॉल्व है तो उसको ट्रू बोलेंगे, अगर इसका उसका इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है. नाउ अब इधर क्या होगा? सो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ओके, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद लार्वल स्टेजेस. इसमें लार्वल स्टेजेस होता है. नाउ फर्स्ट लार्वा हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट लार्वा इज रेफर्ड टू एज क्या? द फर्स्ट लार्वा इज रेफर्ड टू एज हेक्साकैन लार्वा. ओके, विच हैज सिक्स हुक्स. इट इज प्रोटेक्टेड. ओके, बाय क्या? इट इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ कोट्स. ओके, मेनी लेयर ऑफ कोट्स. दिस कोटेड हेक्साकैन लार्वा इज रेफर्ड टू एज क्या? इज रेफर कैसे किंतु किपिंग को जोड़ा सीख है ना किंतु हाथ आता नहीं होती. सो दिस कोटेड हेक्साकैंथ लार्वा इज रेफर्ड टू एज क्या? ऑन्कोस्फियर और फॉल्सली referred to as eggs. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Eggs बोलते हैं. But actually वो eggs नहीं है, वो embryonated eggs है. ठीक है? तो falsely referred to as eggs. तो इसीलिए आपका जो mature monoecious segment है उसमें सब कुछ हो गया है, शादी ब्याह होके बच्चा भी हो गया है. ओके, सो ये है आपका क्या? दिस इज कॉल्ड द मैच्योर मोनोशियस प्रोग्लोटिड्स. नाउ नेक्स्ट आ जाएगा डी. इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविड. ओके, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स या राइप. ओके, ग्रेविड या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइप प्रोग्लोटिड्स. क्यों उसको राइप बोलते हैं? क्योंकि उसमें अंडा जो है वो रेडी हो जाता है. ओके, सो इन दिस प्रोग्लोटिड्स क्या होगा? मैं ओनली द हाईली ब्रांच्ड यूटेरस इज सीन फिल्ड विद क्या? हाईली ब्रांच यूटेरस इज सीन फिल्ड विद क्या? एग्स या क्या उनको बोलेंगे हम? ऑन्कोस्फियर्स. सजा. तो ये है आपका कंसेप्ट, बुझला. तापरे कौन हब? ई, इनको हम लोग कहते हैं एपोलाइटिक प्रोग्लोटिड्स. ठीक है. तो नाउ विथ टाइम द
क्या वर्म विथ टाइम द टीनिया शेड्स दीज राइट प्रोग्लोटिड्स वॉलंटरीली ओके एंड सो दिस प्रोसेस is referred to as autotomy. समझ रहे हो? ये इच्छा से काटते हैं autotomy and it is meant for propagation of their generations and infection of new hosts, okay, an infection of new hosts. So these segments, okay, are lost with human feces, and this process of this phenomena. This phenomena of voluntarily, okay, voluntarily shedding, okay, this phenomena of voluntarily shedding ripe proglottids for propagation of generation is referred to as क्या apolysis क्या होती है okay so this is referred to as apolysis आया समझ तो इसीलिए तो ये हमारा जो worm का detail है तो आप जो red point से हमारा यह जो question area है is ओल्डेस्ट सेगमेंट कहाँ होता है ओल्डेस्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी कहाँ होता है क्लोजेस्ट टू नेक ना लास्ट लास्ट में तो जो लास्ट बचा होगा लास्ट सेगमेंट ओके And youngest segment क्या है जस्ट बिलो नेक क्लोज टू नेक तो ये उसका मेन कंसेप्ट है ओके कोई शक अब ये सब आप पढ़े थे बताइए ये सब आप पढ़े थे कि नहीं सर बट हम लोग तो पढ़े थे हम लोग एफ वन में पढ़े थे हम लोग एफ वन में पढ़े थे बट तुम लोग जो फास्ट स्टाइल पढ़ रहे थे तो इसलिए ये नहीं पढ़े थे थोड़ा आश्चर्य से पढ़े मतलब बट क्या होता है ये पढ़ लेने से क्या दिक्कत क्या है मैं वही समझता हूँ एंड ये आपको आगे भी काम देगा ना जब आप लोग एमबीबीएस पढ़ेंगे पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब भी तो ये काम देगा तो पढ़ लेने में लॉस क्या है But some teachers don't teach, है कि नहीं? चलिए, आप पूछे इसमें क्या पूछना है आपको? तो इसके अलग-अलग segments जो हैं, उसका बहुत detail है, मैंने वो सब detail दिया नहीं है, okay? I have just given what is required, है कि? वरना पढ़ने को तो इसमें भी segments का भी detail है, उसका shape, size, कौन-कौन सा organ, सब दे आवडे लगी चलिए कुछ है कुछ पूछना है तो सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक कर रहा है तो सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि सर हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है बोलिए अरे वो नेटवर्क है ना जो हमारा अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो सबका नेटवर्क इंडिया में क्या है ये सर ठीक है सर मुझे सर
मैं तो बाहर जाता नहीं, तो मुझे ले सर मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, अभी सबको सुनाई दे रहा है ना? नहीं, ये सर मतलब चल जाएगा सर कोई। अरे चल जाएगा, नहीं नहीं तो मैं नेटवर्क चेंज करूंगा। हाँ, हमारा काम बोलो अला, तो इसीलिए नेटवर्क चेंज करते हैं, क्योंकि ना ये एयरटेल अभी हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो वो दैट इज द प्रॉब्लम। एयरटेल क्या ऐड निकालता है, वो जो बढ़िया वाला, नो कंप्लेन ना क्या? सर आपका कौन सा नेटवर्क डाले? अभी एयरटेल डाला है। सर एयरटेल जियो सब प्रॉब्लम कर रहा है, आपका एयरटेल हमारा जियो? नहीं, मोरो जियो ना ठीक ठाक चल रहा है, मेरा जियो ठीक ठाक चल रहा है, बट एयरटेल यहाँ गड़बड़ चल रहा है मेरे घर में। तो वो आके इंजीनियर देख कर गया है, देखते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या करते हैं ना ये लोग कस्टमर तो बढ़ा देते हैं, बट फैसिलिटीज नहीं बढ़ाते। अब ओके, चलिए अभी आ रहा है साहब। यस सर तो चलेगा। हाँ चल। तो ये जो हमारा देख रहे हो, तो ये आपका हेक्साकैंथ लार्वा देख रहे हो, 6 हुक्स है, एंड ये जो है उसका शीत है, जो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। नाउ जैसे ये पिग बॉडी में जाता है, तो ये हेक्साकैंथ का जो शीत है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब ये शीत डाइजेस्ट हो जाएगा, अब ये 6 रे हुक वाला हेक्साकैंथ बाहर आएगा, देख रहे हो। फिर इसका हो ये हुक्स गिरा देगा एंड इनवेजिनेट हो जाएगा उसका स्कॉलेक्स। इसके स्कॉलेक्स को मोड़ के हम इसके बाहर एक सिस्ट बना देते हैं, तब ये बन जाता है सिस्टिसर्कस। तो समझ रहे हो, तो ये है सिस्टिसर्कस लार्वा। तो आ गया मजा, आपने देख लिया। तो हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑन्कोस्फियर आपके बॉडी के अंदर होता है, इसी को एग्स बोलते हैं। उसके अंदर हेक्साकैंथ प्रोटेक्टिव शीथ के अंदर होता है, फिर उसको पिग खा लेगा। पिग खाने से क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव शीथ उसके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाने से हेक्साकैंथ फ्री हो जाएगा। अब हेक्साकैंथ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पंक्चर करके वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड वेसल में घुस जाएगा। तो जैसे ये ब्लड वेसल में घुस जाएगा, अब वो क्या होगा, इट विल एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स। अब वो ब्लड में बह बह के जाएगा एंड मसल्स में जाएगा, वहां अपना स्कॉलेक्स को अंदर के तरफ इन्वेजिनेट करके उसके बाहर सिक्रीशन बना लेगा, एंड दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड सिस्टिसर्कस लार्वा। तो जिस पिग के मसल में सिस्टिसर्कस लार्वा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिजली पोर या रोगुणा मांस मांस है। तो इसलिए जिस जिसके सिस्टिसर्कस में ओके, तो जिसका जो माने सिस्टिसर्कस जो आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रोगुणा मांस, समझ रहे हो। तो ये रोगुणा मांस है, अंडरस्टूड। अगर आप लोग इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क खाओगे, जैसे गौती कृष्ण क्या करता है, वो पोर्क बर्गर पोर्क ये सब अगर खाएगा इम्प्रॉपरली कुक्ड, तो व्हाट विल हैपन, तो गल्ला बताओ। चलो, तो इम्प्रॉपरली कुक्ड अगर खाओगे, तो ये सिस्टिसर्कस मरा नहीं होगा, अब ये आपके बॉडी के अंदर आएगा एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है जी। बट अगर ओके, तो अगर आपके बॉडी में ये नहीं रहेगा, देन व्हाट विल हैपन, सो देन इट विल व्हाट,
माने अगर आप आपका मम्मी जैसे गौती का मम्मी अगर इसको कुक करेगी कसी 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 वो उसको मार देगी, तो इसलिए प्रॉपरली कुक्ड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इम्प्रॉपरली कुक्ड खाओगे तो क्या होगा, तब गड़बड़ हो सकता है। फाइन, सो इफ यू ईट इम्प्रॉपरली कुक्ड देन इट इज ए प्रॉब्लम, ओके, बट इफ इट इज नॉट इम्प्रॉपरली कुक्ड देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए फास्ट फूड में अगर आप जैसे हैम बर्गर खाओगे फास्ट फूड, तो उसमें क्या होगा, वो गड़बड़ होगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो सर पीक से हमको सर वो जो पोर्क खाने से होता है ना, हाँ मिजली पोर्क, तो सिस्टी सर्कस लार्वा, तो ये देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा लाइफ साइकिल है, समझ रहे हो, एंड इसमें अलग अलग स्टेजेस है। तो ये जो स्टेज है ये मैन में होता है एंड ये स्टेज पिग में होता है। ठीक है, सो अब मैन में इन्फेक्टिव कौन हुआ, सिस्टी सर्कस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आएगा, इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव टू मैन कौन है, सिस्टी सर्कस। तो आप ये आपका कब होगा, जब आप मिजली पोर्क खाएंगे, इम्प्रॉपरली कुक्ड मिजली पोर्क। ओके, व्हाट इज मिजली पोर्क, सिस्टी सर्कसाई इन द स्केलेटल मसल्स। तो ये कौन सा मसल्स है, दिस इज स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग। ठीक है, तो अगर आप स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग खाएंगे जिसमें मिजली पोर्क होगा, तो अनजाने में आप क्या करेंगे, आपने सिस्टी सर्कस को अंदर लिया। बट अगर मम्मी इसको कुक करेगी, तो मम्मी हमारे ओडिया डाइट में पहले मटनटा कसा हब, है कि नहीं, अच्छे से उसको कसेंगे, फिर प्रेशर कुकर में सिटी मारेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से उबल जाएगा एंड सब मरमरा जाएंगे। बट अगर आप उसको इम्प्रॉपरली कुक, अगर आप देखोगे चिली चिकन विली चिकन जब आप बाहर खा रहे होगे या चिकन पकौड़ा बाहर खा रहे होगे, तो आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंदर कच्चा होगा, थोड़ा थोड़ा स्लाइमी होगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट पार्ट इज नॉट मिजली कुक्ड, नहीं वो नॉट कुक्ड है, अबे मिजली नहीं है इडियट, वो नॉट कुक्ड है, इट इज नॉट कुक्ड, यस, अभी वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, अभी वो कच्चा है। इसीलिए वहां अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मिजली होगा, अगर मिजली है तो कोई प्रॉब्लम होगा, पर अगर मिजली नहीं है तो चलेगा। स्पेशली फास्ट फूड में आप जब खाओगे देखोगे, जब चिली चिकन खा रहे होगे उसमें हड्डी अगर खाओगे तो उसमें खून भी होगा, वो पका नहीं होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि इट इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। बट अगर बोन मैरो में भी क्या है, हाँ अरे बोन मैरो में हो ना हो, कुक्ड तो इम्प्रॉपर है ना, वो मुझे लग नहीं। तो इसीलिए अगर आपको ये कब एफेक्ट करेगा, जब आप फास्ट फूड खाते हैं। चलिए, अब जैसे ही वो मैन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, सिस्टी सर्कस का जो वाल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड निकल जाएगा कौन, ब्लैडर वर्म। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर वर्म। ओके, विथ इवैजिनेटेड स्कॉलेक्स। ओके, ब्लैडर वर्म विथ इवैजिनेटेड स्कॉलेक्स, इसका मतलब इसका स्कॉलेक्स बाहर आ गया है, नहीं तो हमने उसको पैक कर दिया था। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये ब्लैडर वर्म आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, तो क्या होगा,
बोलिए तो व्हाट विल हैपन। तो अगर ब्लैडर वर्म आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ तो क्या होगा? सर कहीं भी जा सकता नहीं हो पाएगा। नहीं, ब्लड आपका वेंट्रिकल में घुसेगा नहीं घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो फिर आप जियोगे कैसे? तो समझ में आया? तो इसलिए जनरली ब्लैडर वर्म इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, तो जनरली टीआई बनना इतना बेकार इंडियन टीम है ना, मैंने एक तो बॉल खेलने का औकात नहीं है इन लोगों का, करीब ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाते हैं सुअर के। सुबह सुबह 3-4 गिर गए। चलिए, तो इसीलिए आप समझ में आया? तो इसलिए ये ब्लैडर वर्म जनरली हार्मलेस होता है, बट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। तो जैसे ये देखो, ये तो प्रोटीनेशियस होता है ना, तो जैसे ही ये वर्म आएगा हमारे इंटेस्टाइन में, इसको हम हजम कर देंगे उसका ब्लैडर। तो जैसे उसका ब्लैडर हजम कर देंगे तो अब उसका नेक बच जाएगा, नाउ नेक विल प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम, ठीक है? एंड वो उसका स्टोरी चलेगा। तो एडल्ट वर्म कहाँ है? इन इंटेस्टाइन। ओके, इन इंटेस्टाइनल, ओके, इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन। एंड उसके अंदर उसका सारा क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर वो राइप सेगमेंट बनाकर फिर इसको क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोलाइसिस। ओके, यस। तो ये एपोलाइसिस कर रहा है। आप देख रहे हो इसके सेगमेंट में क्या है? ब्रांच्ड यूट्रस कंटेनिंग न्यूमरस एग्स, numerous eggs। तो इसमें असंख्य अंडे होंगे। ओके, एंड तो ये जाएगा एंड ये लैट्रिन में। ओके, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? इधर released with feces of man। तो ये लैट्रिन के साथ बाहर जाएगा। अब accidentally eaten by pig, तो pig accidentally ingests these proglotids। क्यों भाई? pig क्या करता है? pig तो आपका टट्टी खाने गया, अब unfortunately तुम बदतमीज हो, तुमने उसको proglotid दे दिया, तो accidentally उसके अंदर बेचारा proglotid आ गया। Understood? तो जब ये accidentally आ जाएगा, अब उसके बॉडी में जब हजम हो जाएगा सेगमेंट, तो ऑर्कोस्फियर रिलीज होगा। तो दिस एंसिस्टेड हेक्साकैम, इसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑर्कोस्फियर। ओके, तो ये है इन्फेक्टिव स्टेज टू पिग, ठीक है? सो दिस इज इन्फेक्टिव स्टेज टू पिग, फाइन। एंड फिर आपका जो वाल हजम हो जाएगा एंड फ्री ऑन्कोस्फियर आपका ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, प्लस ये हुक को निकाल कर अब वो जाएगा मसल्स में एंड सेटल डाउन कर जाएगा। तो मिजली पोर्क में क्या होता है? सिस्टिसर्कस सेटल्स डाउन in the skeletal muscles of pig। गुस्ला कहते तो रो बुझा ची आवरी बस दूसरी बो। हाँ, ये बहुत कॉस्टली था ना, आवरी बहुत ज़्यादा दूसरी बो। चलो, तो ये हमारा आ गया सिस्टिसर्कस, तो समझ रहे हो? था था तू चार डन पढ़े लेने बेकार था। हाँ, अबे पाठ पढ़ पढ़ बोर ऑफ करे। हाँ बोलो सर। जल्दी हमें एनालिसिस करिए सर। ये जो पीक मानकर मिसली परतु सिस्टी सर्कस अच्छी सर, मतलब पीक माने प्रथम काट नहीं इतले तब मेल को मेन को अफेक्ट कर ले।
तो आपको वो अल्लाह से पूछना पड़ेगा, हाउ आई विल नो ये कहाँ से है ना। बकवास तुम लोग जो क्वेश्चन पूछते हो ना, अभी कहाँ से है हम कैसे जानेंगे, समझे कि नहीं। हम लोग थे उस समय, तो ये एज ओल्ड से है, तो अब कैसे मैन में आया वो कैसे, तो तुम पूछना चाहते हो हाउ इट एंटर्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, दैट इज एन एक्सीडेंट, दैट इज एन इवोल्यूशन, है कि नहीं। अगर कोई मिट्टी खा लिया होगा उसमें से आ गया होगा, इस तरह से, और क्या। आप बिकॉज नेचर में कहां से आया दैट नोबडी नोज, ओके, तो हाउ दे केम इन नेचर हु नोज, तो इसीलिए उसके पीछे फिर सर ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन का जवाब नहीं, प्राइमरी फोर्स से अफेक्टेड है, सेकेंडरी फोर्स से सर। सी आई गॉट योर क्वेश्चन, आप बोल रहे हो कि सिंस ये इंटर रिलेटेड है तो पहला ऑर्गेनिज्म कहां से आया, तो ये वही वाला बात हो गया ना, अंडा पहले आया या मुर्गी, तो दिस इज ए मैटर ऑफ इवोल्यूशन, तो somehow it has evolved, okay? तो अब वो ऑर्गेनिज्म आया तो कैसे आया, तो that is a matter of what? Investigation. तो इसलिए वो सब चीज आपको स्टोरी में ही मिलेगा, because we don't know how this came for the first time, but अभी ये इस तरह से मूव करता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई पहले नॉन पैरासाइटिक फॉर्म होगा, एंड वो नॉन पैरासाइटिक फॉर्म म्यूटेट होकर पैरासाइटिक फॉर्म हो गया होगा। जैसे आप वायरसेस में देखते हो, ए लॉट ऑफ जूनोटिक वायरसेस, ए लॉट ऑफ वायरसेस, एनिमल वायरसेस बिकम जूनोटिक। इसका मतलब क्या है बोलो, ए लॉट ऑफ एनिमल वायरसेस बिकम जूनोटिक, इसका मतलब क्या है कि पहले वो एनिमल वायरसेस थे, एनिमल टू एनिमल स्प्रेड करते थे, बट अब वो एनिमल टू मैन भी स्प्रेड कर रहा है। इस तरह से कुछ हुआ होगा और क्या, अब वी डोंट नो दोस थिंग्स, बिकॉज अभी हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम इवोल्यूशन ऑफ प्लेटफॉर्म थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलिए अब वो बस बस मत करो सर, पीक को किसी सिम्टम से करेगी, सबको सिम्टम होगा, सिम्टम जरूर होगा, बिकॉज पिग में क्या होता है, आप देखो पैरासाइट्स क्या करता है, वो न्यूट्रिशन खा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पिग जो है तो वो उसमें भी ये जो जो सिस्टी सर्कस है वो लोग भी आपके एफेक्ट करेंगे पिग को, बट जो ज्यादा एफेक्ट होता है वो मैन होता है, क्योंकि अब रश्मि का सेहत का राज, तेरा सेहत का राज, ये वर्म्स हो सकते हैं, है कि नहीं। बिकॉज अभी तुम लोग चढ़वा चढ़वा खाते हो, जैसे गौती है इतना खाता है एंड मोटा भी है, तो हमें मालूम है कि वह कॉटेट बड़ा ला देखे। सो अब गौती जो है वो ज्यादा खाता है और मोटा है, तो हमें पता चल गया कि उसका जो है क्या, हाँ तो हमें पता चल गया कि उसके बॉडी में वर्म्स नहीं होगा, बट सुप्रीत इतना खाता है बट उसका बॉडी में कुछ नहीं लगता है, ओके? उसी तरह से जो रश्मि रंजन इतना खाता है उसका बॉडी में कुछ नहीं लगता है, उसका एक कारण हो जो हमारा मनमयी है, ओके? तो ये सब जो सुकड़े सुकड़े हैं, तो अगर वो लोग ज्यादा खाते हैं बट फिर भी बदन में नहीं लगता है, उसका एक कारण हो सकता है कि उनके बॉडी में वर्म्स हैं, समझ रहे हो। तो आप खा रहे होगे, ले रहा कौन होगा, बोलिए, वर्म्स, वर्म खा रहा होगा, तो उसका तो टेपवर्म तो सिर्फ हम पॉक खाने से होगा ना सर, मतलब हाँ, लकीली लकीली क्या होता है, एनी वर्म का था, फ्लैट वर्म जो है, लकीली फ्लैट वर्म का जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमंस में हम लोग को कम होगा, हिंदू लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है जनरली काव खाते नहीं है, तो इसलिए टेप वर्म टीनिया साजिनाटा होने का सवाल नहीं है, ओके? सो यू आर नॉट ईटिंग काव, तो इसलिए देर इज नो नो चांस ऑफ टीनिया साजिनाटा इन्फेक्शन। एंड हम लोग जो सिविलाइज लोग हैं, तो जैसे जो इंडियंस है खासकर, हम लोग पिग नहीं खाते हैं,
ओके तो इसलिए हमें टिनिया सोलियम होने का भी चांसेस कम है, मुझे लग नहीं। किंतु जो फॉरेन कंट्रीज है वहां वो लोग पिग ज्यादा खाते हैं। ओके फॉरेन कंट्रीज आप देखोगे दे ईट अ लॉट ऑफ पिग, तो और उनका जो कुकिंग भी है वो इम्प्रॉपर है, सो इसलिए उन लोग को ये ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। आप देखोगे वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ रोस्ट करके खा लेते हैं एंड इसी तरह से। बट कुछ लोग तो बहुत 6-6, 8-8 घंटा रोस्टिंग करते हैं, उस केस में मर जाएगा। बट जो इमिडिएटली रोस्टिंग करके खाते हैं तो उस केस में वो जिंदा रहेगा। ओके उस केस में वो जो सिस्टिसर का जिंदा रहेगा। बट कुछ कुछ लोग 6-6, 8-8 घंटा और रात भर उनका रोस्ट हो रहा होता है, तो सही केस है किसी बंची बनी है ना, तो लाइक दैट। तो इसलिए हमारे केस में वी आर लकी दैट वी मे नॉट हैव सोलियम एंड साजिनाटा, बट हम क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, है कि नहीं? तो फिश टेप वर्म हो सकता है हम लोग को, तो फिश टेप वर्म हमें हो सकता है। तो फिश टेप वर्म का नाम क्या है, डाइफाइलोबॉथ्रियम, तो वो हमें हो सकता है। तो जैसे गांव वाव में आप देखोगे गोटे बाब हजा करा हुए, तो बाब हजा का मतलब क्या है मालूम है, वो सिर्फ तवा पे रख के सेक देते हैं। तो अगर उस तरह से आप सेकोगे तो शायद वो वर्म नहीं मरा होगा। उसी तरह से आपका हम लोग शीप खाते हैं, मेंढा मेंढा या गोट खाते हैं, तो गोट में जो टेप वर्म है उसको कहते हैं मोनिएजिया एक्सपेंसा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को गोट टेप वर्म हो सकता है एंड ये फिश टेप वर्म हो सकता है। फिश टेप वर्म, यस, तो वी कैन सफर फ्रॉम दिस, बट यस यू आर राइट, वी विल नॉट सफर फ्रॉम टिनिया सोलियम और टिनिया साजिनाटा, ठीक है? साजिनाटा, तो ये सब हमको नहीं होगा, ठीक है सर? वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला बोले सर, वो क्या ब्लड फ्लो को मतलब सर? अरे गधा, सर क्वेश्चन पूछे जो, सुनो, अगर जो आपका ब्लैडर वर्म, तो ब्लैडर वर्म रो ब्लैडर टा जदी लेफ्ट वेंट्रिकल भीतर थिबो ताहले ब्लड कोड रहइबो, सोचो। अभी हम लोग एक बलून को तुम्हारे वेंट्रिकल में घुसा के फुला देंगे, तो वेंट्रिकल इज ब्लॉक्ड, बुझू चुके नहीं? यस सर, यस सर। ताहले अब ब्लड रहेगा कहाँ? सर नहीं जा पाएगा, मतलब पंप नहीं हो पाएगा, भर ही नहीं सकता सर, समझ रहे हो? तो इसीलिए देन हाउ व्हाट विल यू सर्कुलेट, तो ये तो वो एक, तो इसलिए जनरली ब्लैडर वर्म हार्मलेस होता है, बट इस केस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? अगर वो हार्ट वार्ट में घुस गया, लंग्स में घुस गया, तो क्या होगा? तो वो आपका अफेक्ट करेगा सर्कुलेशन, ठीक है जी? तो ये हमारा, देख रहे हो, एक वर्म का लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट एक दिन खा जाता है। चलिए, तो ये हमारा एक फोटो हमने देख लिया, इसको सेव कर लिया जाए, आप लोग को भेजा जा सकता है। तुम लोगों ने फोटो खींच लिया कि नहीं? किसी ने तो खींच लिया होगा ना, तुम लोग का तो स्मार्ट बच्चे हो। तो आप, हाँ बोलो, ये सुप्रीत उप्रीत खींच लिए होंगे या शैलेश? नाउ अब एक और चीज हम लोग देखेंगे, तो उसका जो अलग अलग सेगमेंट देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये लीवर है, यस सर। इसमें क्या दिख रहा है? ये फ्लूक है, देख रहे हो, लीवर फ्लूक, यस। कितना बड़ा हो गया खा पी के, देखो, इट इज अ ह्यूज फ्लूक, ठीक है? ये सब क्या है बताओ? ये सब सिस्ट है, ब्रेन, सिस्ट ब्रेन में, यस। तो सिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारा पैथोजन है उसका एक नॉर्मल माइग्रेशन रूट होता है, ठीक है? तो नॉर्मल माइग्रेशन रूट होता है, तो नॉर्मल माइग्रेशन रूट का मतलब क्या है? वो वहां से वापिस आ जाता है। बट अगर आप नॉर्मल जगह चला गया
तो वहां से वापिस आने को चांस नहीं मिलता है. ओके, सो दे जनरली कैनॉट कम बैक. तो जब वो कैनॉट कम बैक है तो वो क्या करते हैं, तो वो वहां एक डॉर्मेंट स्टेट में घुस जाते हैं, एंड दैट डॉर्मेंट स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, सिस्ट. ठीक है, सो दीज आर द सिस्ट्स इन द ब्रेन. देख रहे हो कितना खतरनाक है ये, आपका इंटेस्टाइन में फ्लैट वर्म्स है. देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लैट वर्म्स, ये देखो कौन निकल रहा है. सो ये सब ये राउंड वर्म है एक्चुअली. ये देखो ये टेस्ट वर्म है, ये स्कॉलेक्स है, देख रहे हो उसका स्कॉलेक्स का हुक एंड सकर्स. यस सर. अब ये सब आप ट्रेडिशनल बोर्ड में कैसे देखोगे, ये सब के लिए आपको कौन सा बोर्ड चाहिए, जो सर बोर्ड बोर्ड जो ना कॉन्फ्रेंस हॉल सर से देखेगा था. नहीं ये किसका बोर्ड में दिखेगा, विच टीचर, विच पुअर टीचर. जी जी समझ रहे हो ना. चलो अब इसलिए तुम लोग तो जेजेस को लाइक नहीं करते ना इसके. और ये कौन है बताओ, सर सिस्टोसोमा. यस ये है सिस्टोसोमा. तो वो जो मोटा वाला है वो कौन सा है, सेक्स मेल. एंड जो पतला वाला है कौन सा है, फीमेल. एंड वो ग्रूव जो है वो क्या है, गायनेकोफोरिक कैनाल. गायनेकोफोरिक कैनाल. तो ये सेम चीज मैंने आयुष्मान को स्कूल में ड्रॉ करके दिखाया था, है कि नहीं. बट अभी दिख रहा है फोटो, तो कौन सा आपको मजा आ रहा है, फोटो. तो ट्रेडिशनल बोर्ड और जेजेस बोर्ड. जेजेस बोर्ड. समझ में आया. चलो ये देखो ये है उसका जो सेक्स ऑर्गन्स. अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो है क्या है, ये यूट्रस है. ठीक है, ये देख रहे हो ओवरीज. ओके प्लीज लुक एट दिस डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ठीक है, ये आपका जो मोनोशियस सेगमेंट है एक्चुअली. सो दिस इज द मोनोशियस सेगमेंट, इसमें आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं. ओके चलिए हम लोग. ग्रेविड सर. हेलो सर. नहीं नहीं ग्रेविड नहीं है, ये मैच्योर है, मैच्योर मोनोशियस. ओके मैच्योर मोनोशियस. ग्रेविड में कुछ नहीं होगा, सिर्फ यूट्रस होगा. समझ रहे हो आप. इसमें हम लोग पहले फीमेल वाला ब्लू कर देते हैं, यूट्रस. ठीक है, तापरे फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल. ओके उसके बाद ओवेरियन ब्रिज, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्राइन कैनाल, ऊ टाइप, वाइटलाइन ग्लैंड, वाइटलाइन डक्ट, मेहलीज ग्लैंड, ये सब फीमेल है. वेजाइना. ओके ये सब फीमेल पार्ट है. एंड मेल पार्ट कौन सा हो जाएगा, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया. ओके वास डेफरेंस, सिरस. ओके अब ये जो है ये जेनाइटल एट्रियम है एंड कॉमन गोनोपोर है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है. ठीक है, कॉमन गोनोपोर. कॉमन गोनोपोर मतलब वहां दोनों मिल के होते हैं, मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है. ठीक है, उसीलिए उसको हम लोग कॉमन गोनोपोर बोलते हैं. अंडरस्टूड. तो ये आपका हो गया जो सेक्स ऑर्गन. चलिए नाउ विल गो टू द नेक्स्ट डायग्राम. ये आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, देख रहे हो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हाईली ब्रांच यूट्रस है एंड रिच इन एग्स. ठीक है, ये आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड हो गया. ये देखो कितना लंबा वर्म है. आए
यू सी हियर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, गिनो ये कितना लंबा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 24, 36, उसके बाद सॉरी हाँ माने दिस इज 12, 24, 36, 48, 60, तो 60 × 10 मतलब कितना, 600 सेंटीमीटर, मीन्स नियरली ये 6 मीटर लंबा, तो नियरली 6 मीटर लॉन्ग है कि नहीं, तो ये तो छोटा सा है, सिक्स मीटर माने आपका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, माने तुम्हारा 4 गुना लंबा है ये, समझ रहे हो, माने नियर तो 15 to 20 feet, हाँ 6 मीटर मतलब 18 feet, ओके, एंड ये तो छोटा सा है, ये 10 से 16 मीटर लंबा हो सकता है, इट कैन बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। अब ये देखो स्कॉलेक्स, दिख गया स्कॉलेक्स, तो इस स्कॉलेक्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, रोस्टेलम, ये है रोस्टेलम, ये वाला 2 rows ऑफ हुक्स एंड सकर्स, ठीक है, तो ये हमारा रोस्टेलम है, दिस सर्कल, ओके, इसको हम लोग रोस्टेलम बोलते हैं, एंड ये आपका हुक्स लेयर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया जो स्कॉलेक्स वाला पार्ट, ये उसका जो अलग अलग स्टेजेस है और क्या लाइफ साइकिल का, तो ये एडल्ट है, ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये ग्रेविड सेगमेंट है, ये ऑनकोस्फियर है, ये पिग है, ये उसका जो सिस्टी सर्कस है, ये उसका ब्लैडर वर्म स्टेज है, एंड फिर मैन आ गया, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे एक सर्कल होगा, सो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, ओके, ये हमने एक लाइफ साइकिल बना देंगे, थोड़ा सा पतला चक्का बनाएंगे, सो दिस इज योर लाइफ साइकिल, अंडरस्टूड, तो ये yes, हमारा लाइफ साइकिल आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज द एडल्ट, है कि नहीं, उसके बाद ये क्या है, मोनोशियस सेगमेंट, क्या होगा उसमें, मोनोशियस सेगमेंट में रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर ये क्या है, ग्रेविड, फिर ये क्या है, ऑनकोस्फियर इन झाड़ा, ये क्या है, ईटन बाय पिग, ये क्या है, सिस्टी सर्कस, हाँ सिस्टी सर्कस इन पिग मसल्स, हेला सिस्टी सर्कस इन पिग मसल्स, उसके बाद ये क्या है, ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म, ओके ब्लैडर वर्म, एंड ये क्या है, तो ये आपका ब्लैडर वर्म से ये बन जाएगा अंदर और क्या, ये घुसेगा एंड इधर आ जाएगा आपका नेक, produces new proglottids, ठीक है, तो neck produces new proglottids, okay, तो ये आपका हो गया क्या life cycle, ठीक है जी, आ गया मजा, yes sir, चलिए, so हाँ बोलो बोलो, तो ये उसका फोटोज है अदर, ये देखो कितना सुंदर है स्कॉलेक्स, देख रहे हो, अब इमेजिन करिए कि ये आपके इंटेस्टाइन में घुसा है तो कैसे आपको मजा आ रहा होगा, है कि नहीं, खूब अच्छी तरह, मैंने मैंने इमेजिन दिस इज इन द इंटेस्टाइन, है कि नहीं, सो इंटरेस्टिंग,
ये उसका देखो अरेंजमेंट है, ये कैटल का है, इंटरनल ब्रीडिंग में है। हाँ होगा होगा, ओके इंटरनल ब्रीडिंग भी होने का चांसेस है। ये फैसियोला है एक्चुअली, दिस इज फैसियोला, देख रहे हो ये निकाला हुआ है किसी के बॉडी से। एक फोटो है मेरे पास निकालते हुए का, वो शायद इसमें है नहीं, ये देखो निकल रहा है पॉटी से। चलिए तो ये हमारा हो गया फ्लैटवर्म खादाम, ठीक है। और बोलिए तो ये हमारा हो गया, तो इसलिए इस रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक अब आपको मदद मिलेगा, ओके। नाउ उसी तरह से डिफरेंस क्या है टीनिया साजिनाटा में एंड इसमें, टीनिया साजिनाटा के स्कल में हुक्स नहीं होता है, वो हमने एक डिफरेंस डिस्कस किया था। नंबर टू, लेंथ ज्यादा लंबा होता है, जो हमारा सोलियम है वो 6 से 12 मीटर लंबा होता है एंड जो साजिनाटा है वो 12 से 16-17 मीटर लंबा होता है, ओके। उसके बाद तो जो आपका साजिनाटा है उसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ यूट्रस भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट इन सोलियम, ठीक है। एंड उसके अंदर हुक्स तो होता नहीं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। एंड लकीली सिंस वी आर हिंदूज वी आर नॉट इन द रिस्क ऑफ गेटिंग साजिनाटा, बट कुछ लोग जो लोग पीक खाते हैं उन लोग को इसका इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, किसका सोलियम का, बट हम लोग वो नहीं खाते हैं। हम लोग को फिश तो हम लोग को फिश मिल सकता है, वी कैन गेट फिश टेपवर्म, उसका नाम क्या है डाई फाइलोबॉथ्रियम एंड आपको मिल सकता है क्या जो मोनिएजिया एक्सपेंसा, MONIEZIA EXPNSA, हेला हाँ खोजी कितने हाँ अंडरस्टूड। चलिए तो इसलिए आज का डाउट हमारा खत्म, तो इस रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। नाउ एज अन्वेषा गेव मी द क्वेश्चन, मैं धीरे धीरे करूंगा, इसीलिए आप लोग को भी बोल देता हूँ, ऑल ऑफ यू गिव योर डाउट्स टू गौती और अन्वेषा, दैट इज योर विश, बॉयज कैन गिव टू गौती एंड अन्वेषा एंड ये लोग मेरे को रिपोर्ट करेंगे। सी आप जानते हो कि स्कूल वाले इमिडिएटली बोर्ड मोड पे चले जाएंगे एंड जनरली हम लोग को इसका टाइम नहीं मिलता है रिविजन का, पिछले साल भी यही हुआ था, इसीलिए जितना जल्दी आप रिविजन के लिए रेडी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कब रिविजन बंद हो जाए, ओके। क्योंकि स्कूल बोर्ड का रिजल्ट अच्छा करने के चक्कर में 500 बार एग्जाम कराएगा, ओके। सो इसीलिए आप लोग का फिर नीट का चांसेस कम हो जाएगा, इसलिए जिसको जो प्रॉब्लम है इमिडिएटली लिख कर दे दो, डोंट गिव देम पेन, वो लोग आपके मॉनिटर हैं, आपके सर्वेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए जितना शीघ्र आप उनको प्रॉब्लम दे देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ओके। क्योंकि आप